नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नागपुर से बिलासपुर के बीच जगह जगह ट्रेन का किया गया स्वागत। प्रेमिका की बेवफाई से परेशान प्रेमी ने की नाबालिग की हत्या। खुद थाने पहुंचकर घटना की दी जानकारी। कंपनी गार्डन में झूला झुलाने से इनकार करने पर युवकों के बीच मारपीट। चाकू मारकर युवक हुए फरार। और विधानसभा अध्यक्ष की नसीहत पड़ी पेड़ पर भारी। अधिकारियों ने टहनी के बजाय कटवा दिया पेड़। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार की सुबह 9:45 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रेन में सवार यात्रियों का उन्होंने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। नागपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हुई ट्रेन का सभी स्टेशनों में स्वागत किया गया। इस दौरान यात्रियों और आम लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित समय में रविवार की सुबह नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि और रेलवे बोर्ड के अधिकारी मौजूद रहे। नागपुर से बिलासपुर के बीच आज प्रारंभ हुई वंदे भारत एक्सप्रेस है। महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। ट्रेन के शुभारंभ मौके पर नागपुर रेलवे स्टेशन में तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही। हरी झंडी दिखाने के बाद जब ट्रेन रवाना हुई तो ट्रेन में सवार यात्रियों ने प्रधानमंत्री का हाथ हिलाकर अभिवादन किया, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भी उन्हें हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर उनका स्नेह स्वीकार किया। ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जैसे ही बिलासपुर की ओर रवाना हुई, रेल पटरियों के नजदीक खड़े स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल से इस ट्रेन की स्पीड और सुंदरता को कैमरे में कैद करते दिखे गए। इसके पहले यात्री और आम लोगों ने वंदे भारत ट्रेन को लेकर खुशी जाहिर की। आज खुशी की बात है कि नागपुर शहर के अंदर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जा रहा है और जानकारी मिली है कि ये 6वां ट्रेन भारत सरकार रेलवे डिपार्टमेंट द्वारा नागपुर से बिलासपुर की ओर शुरुआत करने जा रहे हैं। नागपुर शहर जनता के लिए और सफर आने जाने सफर के लिए ये वंदे भारत ट्रेन और सुविधाजनक रहेगी और ये खुशी की बात है। और हम रेलवे विभाग, रेलवे मंत्रालय को और भारत सरकार को और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इस दौरान जहां यात्रियों ने खुशी जाहिर किया, वहीं जनप्रतिनिधियों ने भी इस ट्रेन को छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, खासकर नागपुर और उससे जुड़े क्षेत्र के लिए बेहतर बताया। राजनांदगांव और दुर्ग में इसके ठहराव को लेकर प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताया गया। ये देश की 6वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसकी सौगात छत्तीसगढ़ की जनता को मिली है। निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। ये तो बहुत ही सुविधाजनक कम समय में यात्रा को पूर्ण करने वाली, और जो हमारा संबंध महाराष्ट्र नागपुर से है और प्रगाढ़ होगा। हमारे छत्तीसगढ़ के लोग नागपुर में, गोंदिया में, भंडारा में, इस क्षेत्र में पूरा रहते हैं, रोटी बेटी का भी संबंध है। इसलिए सबकी इच्छा थी कि यह राजनांदगांव में भी, दुर्ग में भी इसका स्टॉपेज हो, जिसे माननीय अश्विनी वैष्णव जी ने स्वीकार किया। इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और वैष्णव जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। बिलासपुर की तरफ तेज गति से बढ़ती हुई ट्रेन का जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। लोगों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए पहले दिन ऐसे सभी स्टेशन में इस ट्रेन को रोका गया जहां आज के बाद इसका ठहराव नहीं होगा। इस ट्रेन को देखने के लिए अलग अलग स्टेशनों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। रेलवे जोन के CPRO साकेत रंजन ने बताया कि इस ट्रेन में हर छोटी बड़ी सुविधा का ध्यान रखा गया है। जो हमारी सुख सुविधाएं हमें मिली है, जो अपने बैठने की सुविधाएं हैं या हमारे जो छोटी छोटी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है,
कॉन्टैक्टलेस टचलेस हमारे डोर्स हैं, हर एक कोच में मिनी पेंट्री है, हर एक कोच में दो इंफोटेनमेंट के लिए स्क्रीन लगाए गए हैं, इमरजेंसी के लिए कॉल की सुविधाएं हैं, इमरजेंसी में आप ड्राइवर से या गार्ड से बात कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। ये सबसे अच्छी बात है कि ये जो रेक है ये कवच से लैस है, कवच जो हमारी स्वदेशी बिल्कुल इंडिजिनस स्वदेशी ट्रेन प्रोटेक्शन यूनिट है उससे लैस है। और इसके अतिरिक्त जो ये स्पीड इसकी 130 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से है, और यह इस क्षेत्र की पहली ऐसी ट्रेन है जो कि 130 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। बता दें कि वंदे भारत ट्रेन के कोच की दूसरी ट्रेन की लंबाई से अधिक है, इसके एक कोच की लंबाई 24 मीटर है। यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। स्टेशनों में वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय श्री राम के उद्घोष के साथ यह ट्रेन आगे बढ़ती रही। वंदे भारत ट्रेन देखने और इसकी फोटो लेने लाइन किनारे घरों और उसके छतों पर लोग नजर आए। नागपुर से लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर पहुंचकर महाराष्ट्र को लगभग 75,000 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के समृद्धि की भाग्य रेखा के रूप में पहले चरण का नागपुर से शिरडी सड़क का उद्घाटन किया। इसके अलावा नागपुर एम्स, नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट, चंद्रपुर में ICMR की स्थापना, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए CIPL नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने परियोजना, मेट्रो के पहले चरण का लोकार्पण, दूसरे चरण का शिलान्यास, नागपुर से बिलासपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ, नागपुर और अजनी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की परियोजना, अजनी में 12,000 हॉर्स पावर के रेल इंजन के मेंटेनेंस का डिपो लोकार्पण और नागपुर इटारसी लाइन के कोहली नरखेड़ खंड का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी सभा को संबोधित कर सभी को विकास कार्यों की बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल कोयला राज्य मंत्री राव साहेब दादा राव पाटिल दानवे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। 11 दिसंबर का आज का दिवस संकष्टी चतुर्थी का पवित्र दिवस है। आज महाराष्ट्र के विकास के लिए 11 सितारों के महानक्षत्र का उदय हो रहा है। पहला सितारा हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, जो अब नागपुर और शिरडी के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा सितारा नागपुर एम्स है, जिसका लाभ विदर्भ के एक बड़े क्षेत्र के लोगों को होगा। तीसरा सितारा नागपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ की स्थापना है। चौथा सितारा रक्त संबंधी रोगों की रोकथाम के लिए चंद्रपुर में बना ICMR का रिसर्च सेंटर है। पांचवा सितारा पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए बेहद अहम सीपेट चंद्रपुर की स्थापना है। छठा सितारा नागपुर में नाग नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू हुआ प्रोजेक्ट। सातवां सितारा नागपुर में मेट्रो फेज वन का लोकार्पण और दूसरे फेज का शिलान्यास है। महाराष्ट्र के विकास को नई दिशा देगा, नई ऊर्जा देगा। आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव में 75,000 करोड़ रुपए के इन विकास कार्यों के लिए
महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत बधाई। 3 साल के धरने आंदोलन और घेराव के बाद भी हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति की मांगे पूरी नहीं हुई हैं। राघवेंद्र राव सभा भवन के सामने धरने पर बैठे समिति के लोगों ने मामला केंद्र और राज्य सरकार के रुचि नहीं लेने के ठंडे बस्ते में होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी बिलासपुर एयरपोर्ट को पूर्ण विकसित नहीं कर रही है, वहीं केंद्र सरकार ने भी मांगों पर गंभीरता नहीं दिखाई है। ना तो 4C लाइसेंस दिया गया है और ना ही नाइट लैंडिंग की सुविधा है। वहीं रायपुर एयरपोर्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। समिति के सदस्य महेश दुबे ने संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि धरना पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के लिए किया जा रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक धरना जारी रहेगा। 3 साल से ऊपर धरना हो गया है और हमको लगता है कि हमारा जो नेतृत्व पुरुषार्थ विहीन हो गया है, उसका परिणाम हमको दिखाई दे रहा, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। कोई भी सरकार ऐसा कार्य नहीं करने जा रही जो जनता के अनुरूप हो। हमारी जनता लगभग 300 से 400 संगठन यहाँ कर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए, तब जाकर एयरपोर्ट बना और एक उड़ान प्रारंभ हुई। पर हवा हवाई वाली उड़ान है, आप दिल्ली से बैठ कर आ रहे हैं या जबलपुर से बैठ कर आ रहे हैं या प्रयागराज से आ रहे हैं, पर भरोसा नहीं कि यहाँ उतर जाएंगे। जरा सा मौसम गड़बड़ होता है, विमान कहीं और उतर जाता है। ये सबसे दुखद बात है। मुझको तो ऐसा लगता है कि मनसा ही नहीं कि बिलासपुर एयरपोर्ट पूर्ण एयरपोर्ट बने। प्रेमी प्रेमिका के बीच दूसरे युवक के आ जाने से नाराज प्रेमी ने नाबालिग प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के हरदी रोड के पास की है। आरोपी प्रेमी यश खुसरैल ने घटना के दूसरे दिन थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण किया, जिससे मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग प्रेमिका की प्रेमी ने पत्थर से सल कुचल कर हत्या कर दी। घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ लगी हुई है। TI मौके पर है। हम आपको बता दें, बीते 4 साल से बताया जा रहा है कि जो मृतिका है उसका प्रेम संबंध यश खुरशैल नाम के युवक से चल रहा था। उनके जिया जी यहाँ पे हैं। कैसे हुई घटना, जैसा आपको जानकारी जो मिली बताइए। जानकारी ऐसा मिली, मैं घर में था तो जो मृतिका है उसकी बड़ी बहन नैना नाम है, तो वो मेरे को फ़ोन करी कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया कल से, बहन पता नहीं चला कहाँ गई, घर से बता के निकली भी नहीं है, बस यहीं कहीं गई है बोले, तो आओ ना थोड़ा देखते हैं बोले करके। तो मैं सुना, मैं ठीक है चलो। फिर मैं घर गया तो घर में जाने के बाद पता चला कि किसी प्रकार से कोई थाना से विवादित कोई हादसा हो गया करके घर में। तो फिर मैं थाना का एड्रेस पूछा घर वाले से कि कौन से थाना में, फिर फ़ोन लगाया तो पता चला सिरगिट्टी बन्नाड़ थाना में। तो मैं थाना आने के बाद फिर मेरे को ये मौका है जो वारदात में घटना हुई उसके बारे में जानकारी मिला। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिरगिट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत राधे इंडस्ट्रीज के पीछे का इलाका है। काफ़ी सुनसान माना जाता है, रात को यहाँ पे काफ़ी सुनसान होता है। जैसा कि बातें सामने आ रही कि जो आरोपी यश खुसरैल है वो घटना को अंजाम देने के बाद रात भर यहीं रहा और उसके बाद सुबह, आज रविवार है, सुबह वह तोरवा थाने पहुँच गया। लेकिन चूंकि घटना सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की थी तो पुलिस ने उसे सिरगिट्टी थाने लाकर सुपुर्द किया। जो बातें निकल करके सामने आ रही है कि ये जो नाबालिग है वह शनिवार की शाम को यहाँ पे थी और दोनों के बीच में फोन पे संपर्क हुआ और उसके बाद लड़की ने जब उसे लोकेशन बताया तो उस आधार पर आरोपी युवक मौके पर पहुंचा, दोनों के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद जो पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपनी प्रेमिका का पहले गला घोटा, उसके बाद पत्थर से उसके सिर को कुचल दिया। जो बातें निकल के सामने आ रही है कि इसमें शक की बातें जो आ रही हैं कि युवक शक करता था अपनी प्रेमिका के ऊपर, जिसके कारण इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। अभी तक के घटनास्थल का अवलोकन और परिजनों से कथन से ज्ञात हुआ कि मृतका जो है RTS कॉलोनी के तोरवा क्षेत्र की निवासी थी, जिसको आरोपी द्वारा कल दिनांक संध्या को पहले गला दबाया गया है और ऐसा प्रतीत उसके बाद कोई हैवी या भारी पत्थर से चोट पहुँचकर हत्या की है। अभी आरोपी कहाँ पे है? अभी आरोपी पुलिस के अभिरक्षा में है, जिसे घटना के विषय में पूछताछ की जा रही है। सिरगिट्टी पुलिस अभी जांच कार्रवाई में जुटी हुई है, अभी सभी तथ्यों की जांच होगी, उसका बयान दर्ज किया जाएगा, उसके बाद और क्या बातें हैं, ये घटना को क्यों अंजाम दिया गया, इसकी तह तक पुलिस जाएगी। कैमरा पर्सन राजा खान के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा TV बिलासपुर।
मोबाइल चोरी के मामले में सिविल लाइन पुलिस ने झारखंड के दो आरोपियों को हिरासत में लिया। रविवार को सिविल लाइन पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी, तभी एक आरोपी थाने से भाग खड़ा हुआ, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने बृहस्पति बाजार से एक मोबाइल चोरी किया था। प्रार्थी के मोबाइल से फोन और गूगल पे का पासवर्ड खोलकर शातिर आरोपियों ने खाते में जमा 3,50,000 रुपए निकाल कर खर्च कर दिए। पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ उचित कार्यवाही कर रही है। मिट्टी से भरी हाईवा को पीछे कराने उतरे कंडक्टर की उसी गाड़ी में दब कर मौत हो गई। घटना पावर हाउस चौक के आगे छाबड़ा पैलेस के पास की है। यहां निर्माणाधीन मकान में मिट्टी फिलिंग करने लगाई गई हाईवा का चालक गिरिलाल यादव मिट्टी को पलटने हाईवा को पीछे कर रहा था। कंडक्टर भरत गोड़ वाहन से नीचे उतर ही रहा था कि मिट्टी में फिसल कर गिर गया और हाईवा उसके पैर में चढ़ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तोरवा पुलिस ने आरोपी चालक गिरिलाल यादव के खिलाफ धारा 304A का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी गार्डन घूमने गए युवक पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार झूला झुलाने के लिए मना करने पर चाकू मार कर घायल किया। हालांकि पीड़ित को तत्काल उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। गार्डन में मॉर्निंग वॉक करने पहुंचे युवक पर रविवार की सुबह कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में घायल युवक को इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया है। घायल युवक ने कहा कि वो मारने वालों के नाम नहीं जानता। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। घायल युवक का नाम रघुराज यादव है, जो मगरपारा का रहने वाला है। उसके मुताबिक जब सुबह गार्डन में वो टहल रहा था, तभी वहां कुछ युवक पहुंचे और उसे झूला झुलाने कहा। रघुराज ने झूला झुलाने से इनकार कर दिया तो बदमाश युवकों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की और फिर चाकू से हमला कर दिया। सुबह जब झूला गार्डन गए थे, कंपनी गार्डन अंदर, फिर वहाँ का नजर उस लड़के लोग आए तो बोल रहे झूला झुलाने के लिए, तो हम लोग नहीं झूला है। उसके बाद थोड़ा सा आगे गए हम लोग, फिर उन लोग गाली वाली बकने लगे, फिर इसको फिर छोटा सा हम लोग बहुत उसको तोड़ने के बारे में बोल रहे थे। उसके बाद फिर वो के ना फिर उन लोग को देर बाद अपना दोस्त उस लोग को बुला के झूठ बनाए, झूठ बना घेरे हम लोग को उनका, चुपचाप उधर पीछे से आके चाकू मार दिया सीधा। सिम्स चौकी प्रभारी गुलाल सोनवानी ने कहा कि सुबह की घटना है, अस्पताल से मेमो आया है जिसे आगे की कार्रवाई के लिए सिविल लाइन थाने भेजा गया है। हाँ, एक अस्पताल में मेमो प्राप्त हुआ है। रघुराज यादव ये मगरपारा थाना सिविल लाइन क्षेत्र का रहने वाला है। इसको उसका भाई ला के यहाँ भर्ती किया, कंपनी गार्डन में मारपीट हुई थी। इसकी अस्पताल मेमो को हम सिविल लाइन थाना भेज देंगे और सिविल लाइन थाना को सूचना दे दी है, आगे की कार्रवाई थाना सिविल लाइन पुलिस करेगी। घायल युवक के दोस्तों के मुताबिक हमला करने वाले बदमाश सरकंडा जबड़ापारा क्षेत्र के रहने वाले हैं। बहरहाल सिविल लाइन पुलिस चाकूबाजी के इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। मौसम विभाग ने अगले एक दो दिन के भीतर कड़ाके की ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी ठंड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि ठंड बढ़ने पर लोगों के बीमार होने की आशंका है, खासकर बच्चे और कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले इसकी चपेट में आ सकते हैं। बदली और बूंदाबांदी के बीच अब मौसम में फिर से बदलाव के संकेत है। आसमान साफ होते ही आने वाले दिनों में ठंड में जोरदार वृद्धि की बात कही जा रही है। कड़ाके की ठंड लोगों को कई तरह की स्वास्थ्यगत परेशानियां भी खड़े करेगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिलेवासियों को ठंड से बचने की सलाह दी है। CMHO डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव का कहना है कि इससे सबसे ज्यादा परेशानी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता रखने वाले लोग और बच्चों को होगी। साथ ही सामान्य व्यक्ति भी इस दौरान लापरवाही बरतते हैं तो वे भी बीमार पड़ सकते हैं। ऐसे में अपने आप को ठंड से बचाना जरूरी है। अधिकारियों ने कहा कि सावधानी के साथ आने वाले दिनों में ठंड का सामना करना पड़ेगा, जरा सी भी लापरवाही हुई तो कोई भी बीमार पड़ सकता है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन जयसाहू के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। स्वास्थ्य विभाग के आदेश को एम्बुलेंस संचालक नहीं मान रहे हैं। पिछले माह सड़क सुरक्षा समिति की रायपुर में हुई बैठक के बाद सभी एम्बुलेंस में GPS सिस्टम लगाने को कहा गया था,
5 दिसंबर तक सभी वाहनों पर जीपीएस लग जाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। विभाग के मुताबिक अब बिना जीपीएस वाली एम्बुलेंस का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। बिना जीपीएस वाली एम्बुलेंस पर सख्ती की तैयारी कर ली गई है। एक नजर फिर से डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नागपुर से बिलासपुर के बीच जगह जगह ट्रेन का किया गया स्वागत। प्रेमिका की बेवफाई से परेशान प्रेमी ने की नाबालिग की हत्या, खुद थाने पहुंचकर घटना की दी जानकारी। कंपनी गार्डन में झूला झुलाने से इनकार करने पर युवकों के बीच मारपीट, चाकू मारकर युवक हुए फरार। और विधानसभा अध्यक्ष की नसीहत पड़ी पेड़ पर भारी, अधिकारियों ने टहनी के बजाय कटवा दिया पेड़। छत्तीसगढ़ भवन में झंडा फहराने वाली जगह में पेड़ों की टहनियां फैल जाने के कारण स्थल को साफ कराना पेड़ों की बलि के रूप में सामने आ गया। विधानसभा अध्यक्ष की नाराजगी ने अधिकारियों को इतना रुसवा किया कि टहनी हटाने की बजाय दो बड़े पेड़ों को ही काट डाला गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए बने ध्वज स्टैंड के पास खड़े पेड़ों पर बैठने वाले पक्षियों की बीट के कारण ध्वज स्टैंड के चारों ओर गंदगी होने लगी थी। बीते दिनों इसी तरह का नजारा छत्तीसगढ़ भवन में ठहरे विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को भी दिखाई दे गया। उन्होंने इस गंदगी के लिए पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन के वहां मौजूद अधिकारियों को खरी खोटी क्या सुना दी। नाराज अधिकारियों ने आव देखा ना ताव, दो बड़े पेड़ों को कटवाकर ना रहे बांस ना बजे बांसुरी वाली कहावत को पूरा कर दिया। डालियों को थोड़ा थोड़ा काट छांट कर समस्या का समाधान किया जा सकता था, मगर ऐसा करने की बजाय उन्होंने 50 साल पुराने पेड़ को ही आधे से अधिक काट कर उसकी बलि ले ली। यहां आने जाने वाले लोग अधिकारियों के इस निर्णय को बहुत गलत मान रहे हैं। कैमरा पर्सन सतीश साहू के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पूर्व में जारी अनुमान के अनुसार बिलासपुर सहित प्रदेश भर में बदली और हल्का बूंदाबांदी का माहौल बना हुआ है। प्रदेश के उत्तरी भाग में आंशिक रूप से बादल रहने के संकेत और मौसम शुष्क रहने की घोषणा की गई थी, जिसका प्रभाव रविवार को देखा गया। प्रदेश के दक्षिणी भाग में आंशिक रूप से बादल रहने की संभावना और बस्तर संभाग के जिलों में वर्षा होने का अनुमान जताया गया था। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 3 दिनों में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि संभावित है। वहीं पेंड्रा रोड में अभी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान यहां अभी भी 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। मौसम में हुए इस उतार चढ़ाव के बाद ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है, मगर 15 दिसंबर के बाद मौसम में बड़ा बदलाव के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। ठंड के इस मौसम में भले ही बदली ने कड़ाके की ठंड पर ब्रेक लगा दिया है, मगर आसमान खुलते ही जोरदार ठंड पड़ने के संकेत हैं। ठंड और बदली के बीच गरीब और कमजोर तबके के लोग खुले आसमान के नीचे जीवन काटने को मजबूर हैं। रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, हर जगह कम कपड़ों में रात काटने को ये मजबूर हैं। सरकारों की तमाम योजनाएं इनको मद्देनजर रखकर बनाई जाती है, मगर उन योजनाओं का धरातल पर क्या हश्र होता है, इन तस्वीरों को देखकर आसानी से समझा जा सकता है। सत्ता सुख में मदमस्त नेता मंत्रियों को भले ही यह तस्वीर दिखाई ना दे, मगर कार्यपालिका को तो यह आसानी से दिख जाते हैं, मगर उनकी भी आंखें इन गरीबों की ओर देखने से शर्मिंदगी महसूस करती है। तो जगह जगह गरीबों के नाम पर शासन से बड़ा फंड उठाने वाले समाज सेवी संस्थाओं को तो यह दिखता ही है, मगर वे भी क्यों चुप है, समझ से परे है। बिलासपुर शहर स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के बाद अब यहां धीरे धीरे विकास की गति पकड़ने लगी है। शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने निगम ने कदम बढ़ा दिया है। मुख्य मार्गों पर आकर्षक विद्युत सजावट इन दिनों देखते ही बन रही है। कलेक्टर कार्यालय के बाहर मुख्य मार्ग किनारे रंगीन फव्वारों से सजाया गया है, जो आने जाने वालों को खूब लुभा रहा है। आलम यह है कि कुछ लोग अपने दोस्तों और परिजनों के साथ इस तरह के नज़ारों को देखने निकलते हैं और मौके पर जाकर फोटो और सेल्फी भी लेते हैं। शहर के गुरु नानक चौक पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं होने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ जाती है। चौराहे पर वाहन चालक चारों तरफ से एक साथ बेरोक टोक क्रॉस करते हैं। ऐसे में थोड़ी सी चूक होने पर अप्रिय घटना की संभावना लगातार बनी रहती है। बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था से वाहन चालकों को तो परेशानी हो ही रही है, पैदल चलने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के प्रत्येक चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा के साथ
ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, मगर इस चौक को उपेक्षित कर दिया गया है, जिसके कारण यहां वहां गाड़ियां खड़ी रहने के अलावा आने जाने वालों को संघर्ष करना पड़ता है। व्यस्ततम चौक में शामिल तोरबा गुरु नानक चौक पर यातायात सिग्नल का नहीं होना हैरानी और उपेक्षा को दर्शाता है। यहाँ लाइट सिग्नल लाइट नहीं होने कारण हर हमेशा जाम लगे रहता है। मेन चौक है गुरु नानक चौक, यहाँ सिग्नल लगाना बहुत जरूरी है। ब्राह्मण युवा आयाम द्वारा रविवार को अशोक नगर मुस्कान भवन में युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे लोगों ने अपना पंजीयन कराया। समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक और ब्राह्मण युवा आयाम के संस्थापक ज्योतिन्द्र उपाध्याय ने परिचय सम्मेलन के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि यह परिचय सम्मेलन 5वां वर्ष सफलतापूर्वक आयोजन किया जा रहा है। समग्र ब्राह्मण युवक युवती वैवाहिक परिचय परिवार मिलन और सम्मान समारोह का आयोजन करते आ रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ के अलावा 12 से 15 राज्य कुछ विदेश से भी आते हुए हैं और अभी तक के हमारा पंजीयन 300 पार कर गया है और उम्मीद है कि यहाँ इस बार 40-50 जोड़ी कम से कम स्पॉट में बन के जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्रीयतावाद के कोई भी ब्राह्मण अलग अलग नहीं करके हम लोग सबको साथ में लेके चलते हैं। सर्व ब्राह्मणों का हमारा संगठन है और कई ठोक अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं जो सिर्फ ब्राह्मण हित के लिए रहता है और आने वाले समय में हम लोग ऐसा कार्यक्रम करते ही जाएंगे। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।